हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी कैट गेम। दोस्तों, आज के इस सॉलिड वर्क के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि जो पार्टिंग ड्राफ्टिंग क्या होती है। पार्टिंग के साथ, यानी कि पार्टिंग लाइन के साथ जो है हम ड्राफ्टिंग किस तरीके से करते हैं, तो वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में ये बॉडी बनाई थी, तो वही मैंने ले ली है बॉडी, न्यू बॉडी नहीं बनाई है टाइम के वजह से। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ अभी, जैसे ये मैंने बॉडी बन चुकी है, मैं चलता हूँ इसके ऊपर, ड्राफ्ट के ऊपर। और ड्राफ्ट के ऊपर पहले ये हमने न्यूट्रल प्लेन वाली जो थी लास्ट उसमें देख लिए थे लेक्चर में, आज हम देखेंगे पार्टिंग लाइन। ठीक है, पार्टिंग लाइन क्या होती है और इसके हिसाब से कैसे हम करते हैं। तो यह डायरेक्शन टू पुल, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में आपको इसे पुल करना चाहते हो, यानी कि फिर चाहते हो मान लीजिए मैं ये डायरेक्शन दे दूँ इसको, और दूसरी जो है पार्टिंग लाइन्स, कौन सी लाइन आप है? ये मान लीजिए मैं ये लाइन देता हूँ। दोस्तों, तो एक चीज़ तुमको ध्यान रखना होगा कि ये जो लाइन है दोनों आपस में मीट रहनी चाहिए। अगर ये मीट नहीं हुई एक दूसरे से तो ये कमांड काम नहीं करेगी अच्छे से। मैं मान लो ये एंगल भी कम कर लेता हूँ, 12 कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ओके करता हूँ। आप देखिए ये किस तरीके से बन चुका है। ठीक है, ये आपका एंगल, ये देखिए दोनों साइड आपका, ये साइड मेरा जैसे था वैसे ही है। ठीक है, इस साइड का हमने सेलेक्ट किया है तो इस साइड का चेंज हो गया। अगर आप चाहते हैं इसकी डायरेक्शन चेंज होना या किसी और साइड में बनना, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसका आपको दिखाता हूँ डायरेक्शन चेंज करके। ठीक है, पहले तो ये देखिए, पहले इस साइड डायरेक्शन थी, अब इधर, अब आप देखिए किस तरीके से जो होता है एंगल। मान लीजिए मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ या बढ़ा देता हूँ, 13 कर 14 कर देता हूँ, देखिए बढ़ा ही देता हूँ। ये आप देखिए इस तरीके से जो है ये हो गया। पहले इस साइड से अब अपोजिट साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन। अगर आप चाहते हैं तो ये और साइड से क्या ड्राफ्ट होए, तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इस साइड भी मुझे कुछ करना है, तो मैं दोबारा से ड्राफ्ट पे जाऊँगा और पार्टिंग लाइन में यहाँ पर डायरेक्शन दे दूंगा। ठीक है, और इसको जो है एज में ये सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे आप एंगल कम बढ़ती कर सकते हैं, 10 कर लीजिए, ठीक है, 11 10 कर लीजिए, जितना आप चाहें। ये देखिए इस तरीके से अब ये भी चेंज हो गया, आप देखेंगे ये साइड भी डाउन हो गई। इसमें डायरेक्शन इसमें भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए दोनों साइड है, एक तरफ मैंने 10 डिग्री है, एक तरफ 14। ये ज़्यादा भी दिख रहा है आपको क्योंकि ये 14 डिग्री पे है, ये 10 डिग्री पे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बना सकते हो। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आपको आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। और दोस्तों, अगर आपको कुछ और वीडियो देखनी है इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें, क्योंकि मैं वहां पर लिंक देता हूं सारी वीडियो के। आप देखेंगे तो आपको इजीली लिंक मिल जाएंगे, और जिस टाइप की भी आप वीडियो देखना चाहते हो, जो सी कमांड की देखना चाहते हैं, वो वहां से आप देख सकते हैं इजीली। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।